अरे जी, आप अचानक से मेरी जिंदगी से निकल गए। बहुत कुछ अधूरा छूट गया है। वो अधूरी बातें, वो अधूरे काम पूरे करने हैं। आप आएंगे ना? क्या हुआ आदित्य? क्या कह रही थी वो? आदित्य, लिसन टू मी, आदित्य! शादी करके तुम्हारे भाग्य बदल गए मुखर, लेकिन मेरे भाग्य ने मुझे ऐसा पटकाना कि आज तक अपने आप को संभाल नहीं पाया मैं। मगर शादी के दूसरे दिन ही मैं समझ गया था मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज तक उस गलती को निभा रहा हूं मैं। मगर अगर कुछ करना है ना तो बस एक काम कर दो, मगर अलग हो जाओ मुझसे। डिवोर्स इस पेपर पर डिवोर्स लिखा है और आपने इस पर साइन किया है। अब मैं इस घर की बहू हूं, मिसेस आदित्य सक्सेना। मंगल, ना तुम एक अच्छी पत्नी बन सकी और ना ही एक अच्छी मां। क्या देख रही हो? क्यों बुलाया मुझे? वैसे मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि मैंने अक्षत का ध्यान नहीं रखा। मिल गया ना तुम्हें बहाना मुझे दोष देने का, मुझे ताने मारने का। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो मंगल, अब कुछ बचा नहीं है कान खोल के सुनने के लिए। आपको जो बोलना था आप बोल चुके हैं। आप किसी मुगलते में मत रहिएगा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं। जो रिश्ता टूट चुका है वो जोड़ना ही नहीं है मुझे आपसे। आप अपने देवर अपने पास रखिए। क्यों बुलाया मुझे यहाँ तुमने? कॉफी पीने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। आज जो हुआ जाहिर सी बात है उसी के लिए बुलाया है। मंगल, अक्षत के साथ जो हुआ ना वो एक हादसा था, लापरवाही। आपकी लापरवाही बहुत भारी पड़ती है हमको अदिति जी। अभी तक डर से कांप रहा है अक्षत, और जब आज वो स्कूल से निकल गया तो आपने उसे मुझसे छीन लिया। अब आप कह रहे हैं कि हमसे लापरवाही हो गई। बस ये सिर्फ आज की बात नहीं है अदिति जी, इतने सालों से आपने सिर्फ कहने के लिए बाप का हक जताया। हमेशा मुझे ही लताड़ते आए हैं आप कि बच्चों की परवरिश मेरा काम है, आप कमाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हर त्योहार हर अवसर पर आपका साथ चाहते थे अदिति जी, लेकिन आप नहीं थे उनके साथ। क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई और ज्यादा जरूरी जो आ गया था। मंगल, बेकार में फालतू बातें मत करो। बेकार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत जरूरी बात कर रही हूँ, हमारे बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपसे साफ साफ यही कहने आई हूँ कि आप अक्षत को अपने पास नहीं बुलाएंगे, उसे झूठे वादे नहीं करेंगे आप कि आप उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपसे वो होगा ही नहीं। जो आज तक आपने नहीं किया है अजय जी, वो आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने अकड़ में आकर बच्चे का नुकसान नहीं करेंगे। मंगल,
बच्चे मेरे भी हैं। तो आपने क्यों नहीं संभाला उनको इस मुश्किल स्थिति से? क्यों आज वो इतना सहम गए हैं? क्यों आपने पहले नहीं समझाया उनको? क्यों आपने उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा? अक्षर बहुत ही भावुक बच्चा है अदिति जी। कल स्कूल में इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी पैंट भी गीली कर ली, और आज आपसे मिलने के लिए स्कूल से ही भाग गया, और फिर आपके यहाँ वो जल जाता। इतना सब कुछ हो गया, इसकी वजह जानते हैं आप क्या है? आपने जो ये फैसला लिया ना, वो है इसकी वजह। अच्छा, उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ? जी, सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। जब आपको उनकी परवाह ही नहीं है, तो फिर अपनी अकड़ में आकर बच्चों को मोहरा क्यों बना रहे? आपको अपनी जिंदगी जैसे भी जीनी है जिए। आपने जिसको चुन लिया है, आप रहिए उसके साथ। मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगी, क्योंकि वो मेरी प्राथमिकता है। संभाल लेंगे। हाँ, मुस्कुराइए। आपको यही लग रहा होगा ना दीदी, कि ये नौवीं पास क्या कर लेगी? अदिति, मैं नौवीं पास अपने बच्चों के साथ धोखा नहीं करूंगी। मैं स्वार्थी नहीं बनूंगी। मैं उनका रिश्तों पर से विश्वास नहीं टूटने दूंगी। पढ़े लिखो की तरह चलाकियां नहीं करूंगी मैं। आज तक मैंने पत्नी की गरिमा नहीं तोड़ी, तो माँ की गरिमा भी रखूंगी। माँ की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। अदिति, ना आप आदर्श पति थे और ना ही आदर्श पिता बन सकेंगे। आप अपनी टैश में ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक जिम्मेदार पिता हैं। ये आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे बच्चे तो आपसे प्यार करते ही हैं, आपका सम्मान भी हमेशा करेंगे वो। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, और आपको आगाह भी कर रही हूँ, कि बच्चों को उनकी माँ के पास ही पलने दीजिए। भले ही मेरे लिए आसान नहीं होगा, बहुत जूझना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं संघर्ष से नहीं डरती। हर हाल में अपने बच्चों को पाल लूंगी। अगर आप अपने बच्चों को जानते हैं, फिर इतना भी जानते होंगे कि इस वक्त बच्चे डरे हुए हैं, दुखी हैं, नहीं जानते कि आगे क्या होगा। इसलिए आप कम से कम अब किसी दुविधा में उन्हें मत डालिए। बस इतना फर्ज निभा दीजिए अदिति, माता रानी की कृपा से मैं बाकी सब संभाल लूंगी। अच्छी पत्नी नहीं बन सकी, ये आपने मुझे कहा था, लेकिन मैं कैसी माँ हूँ, ये घोषणा करने का हक मैंने आपको बिल्कुल नहीं दिया। आपने अपना प्यार पाया है, मुझे मेरी ममता आगे बढ़ना सिखा देगी। बस यही कहना था मुझे। यहाँ आपको इसलिए बुलाया है कि याद होगा आपको, आपने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे यही छोड़ दिया था। और आज मैं आपको यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, आदित फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतने गुस्से में गया था आज वो यहाँ से। I don't know, अपने बच्चों को लेके इतना इमोशनल क्यों हो जाता है? इसे भी गलती तो अक्षत की ही थी, सिली चाइल्ड।
पता नहीं क्यों जाके उसने माइक्रोवेव को टच कर दिया। जब से आया है स्यापा ही हुए जा रहे। अच्छा वह मंगल उसे ले गई। हेलो आदित्य तुम कहाँ हो? मैं ओह हाय हाय मृणाल सॉरी मुझे लगा कि आदित्य है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स आज रात का डिनर प्लान ऑन है। मैं एक काम करती हूँ मैं तुम्हें अभी अपने नए घर का एड्रेस भेजती हूँ। हाँ ओके बाय। हे माता रानी ये बुखार क्यों नहीं उतर रहा है अक्षता? क्या करें? मंगल मंगल कहाँ थी तुम? कहाँ रह गई थी? पता है अक्षत को कितना बुखार है? पूरा बदन तप रहा है बुखार से। क्या अक्षत? मम्मा पापा मम्मा आप अक्षत की बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं अक्षत को संभाल लूंगी। धीरे धीरे उसको पापा के बिना रहने की आदत हो जाएगी। ये सोचो कि मंगल अक्षत को तुम्हारे साथ कभी रहने नहीं दे। अक्षत 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 बेटा क्या हो गया? तुम बहुत बुखार। अम्मा पापा डॉक्टर को बुलाइए। अक्षत बेहोश हो गया है। बेटा अम्मा इसको बहुत तेज बुखार है। आप सही कह रही थी। अक्षत अम्मा पापा डॉक्टर को बुलाइए ना। मम्मा इशारा बेटा जल्दी तेल लेकर आ। मम्मा जैसे आपने बोला था मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए ना अक्षत को इसको होश ही नहीं आ रहा है। बहुत तेज बुखार है। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने कमरा खुला कर दिया। बच्चे के कपड़े ढीले कर दिए और जैतून की तेल में लहसुन मिला के मालिश कर दी। नहीं तो बुखार सर तक चढ़ जाता। वैसे कम है। लकीली माइक्रोवेव के ब्लास्ट के बाद भी बच्चा ना तो जला है ना तो कोई घाव है। आप कह रहे कि बुखार कम है पर अब देखिए तो इसे कितना बेचैन है ये। पापा नहीं इसकी वजह कुछ और ही लगती है। जिस तरह से बच्चा बड़बड़ा रहा है लगता है कि वो किसी बात से बहुत डिस्टर्ब्ड है। डर की वजह से भी बच्चों को बुखार चढ़ जाता है। घर या स्कूल में कुछ हुआ इसके साथ? हो सकता है कि ब्लास्ट की वजह से वो सहम गया हो और बार बार मम्मी पापा का नाम ले रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि इसके मम्मी पापा इसके साथ रहे क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित फील कर रहा है। उसे तसल्ली दे के वो ठीक है। ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। मुझे तो ये कोई बीमारी लगती नहीं है। बस मेंटल रीअश्योरेंस देने की जरूरत है। मैं कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ आपको। खाने के बाद इसे दे दीजिए। He'll be fine. मैं चलता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अक्षत मम्मा अक्षत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपके फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रही है प्लीज जितनी जल्दी हो सके उसे शॉर्ट आउट कीजिए। मंगल बेटा संभालो अपने आप को। अक्षत इशाना मैं मंगल की एक नहीं सुनूंगा। मैं अपने बच्चे को अक्षत शाना, बेटा मेरे पास आओ। I miss you so much. आपको पापा की याद नहीं आई? पापा, I missed you. आप बच्चों से नहीं मिल सकते। आप सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। चले जाइए मेरे घर से मेरे बच्चों की जिंदगी से। मंगल ये बच्चे मेरे भी।
अदित सुना नहीं मंगल ने क्या कहा? निकलो हमारे घर से वरना अच्छा नहीं होगा। पापा आप मत जाइए ना। हाँ पापा आप प्लीज मत जाओ, हमें आपके साथ रहना है। शाना बेटा। पापा अक्षत को बुखार हुआ है, वो डरा हुआ है, वो बहुत छोटा है। पापा आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या क्या हुआ अक्षत को? शाना ठीक से बताओ मुझे। पापा डॉक्टर ने कहा है कि अक्षत को बुखार डर की वजह से हुआ है, वो आपका नाम ले रहा है। So selfish. आप क्यों चले गए पापा? क्यों आपने दूसरी शादी कर ली? अक्षत सफर कर रहा है, अगर उसको कुछ हो गया तो। मैं अक्षत से मिलना चाहता हूँ। I hate you, पापा। I hate you. हेलो ईशाना, हेलो आदित आ गया। हाय सोफिया। हाय हाय गाइस, आओ ना, कम इन। हाँ सौम्या, योर हाउस इज सो प्रिटी। थैंक यू। अभी भी थोड़े इंटीरियर्स करना बाकी है बस। सिट ना गाइस प्लीज। सौम्या, वेयर इज योर हस्बैंड? एक्चुअली ही इज अ कंप्लीट वर्कहोलिक, काम मीटिंग्स यही सब चलता रहता है, बस सब आता ही होगा वो। बस आदित टाइम से आ जाए। ये बताओ क्या लोगे तुम लोग? एनीथिंग। ठीक है बैठो, मैं अभी है। आदित अम्मा, मैं अक्षत से मिलने आया। ईशाना बता रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई जरूरत नहीं है बच्चों से मिलने की। अपना जो नया घर बसाया है ना, जाओ वहां जाकर रहो, इन बच्चों को उनकी माँ संभाल लेगी। अम्मा बच्चे मेरे भी हैं और हमेशा रहेंगे। नहीं आदित, बच्चे अगर सच में ही तुम्हारे होते ना तो तुम दूसरी शादी करने के बारे में सोचते नहीं, दूसरी शादी नहीं करते। आदित दूसरी शादी करने से पहले एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उनका क्या होगा? जाओ निकलो यहां से, निकलो हमारे घर से। हम आप मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही हैं। आदित पहले ही हमने तुमको ढील देकर देख लिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम तुम्हारी बातों में आ गए। तुमने अपनी अपनी जान की कसम दी और हम डर गए, हम तुम्हारी बातों में आ गए। हमें लगा ठीक है तुम एक बार तुम्हारे और मंगल के रिश्ते को संभालने की कोशिश करोगे, उसे एक मौका दोगे, मंगल को खुश रखोगे, लेकिन नहीं, देखा तुमने क्या किया? तुमने तो अपनी माँ तक को झांसा दे दिया। वरना हम पहले ही मंगल को सब कुछ बता देते, वो संभाल लेती बच्चों को और खुद को भी। और अब देखो अब क्या हालत हो गए आदित, अचानक से ये जो तूफान आ गया है ना, वो सब कुछ उड़ा ले गया है। आदित आज अक्षत बुखार में तप रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? माँ मेरे बच्चे मुझसे मिलना चाहते, मुझे याद कर रहे, मैं संभालूंगा उन्हें। पर अम्मा आप भी अच्छे से जानती हैं कि बच्चों को बाप की भी जरूरत होती है, लेकिन मंगल ने आपके कान भर दिए, आपको मैनिपुलेट कर रही है वो, मुझसे बदला लेना चाहती है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं भी देखता हूं मुझे मेरे बच्चों से मिलने से कौन रोकता है। नहीं आदित, एक बार फिर से हम तुम्हें बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तुम उनसे फिर से झूठा वादा करोगे, झूठ बोलोगे, और आदित बच्चों का मन कोमल होता है, वो फिर से तुम्हारे झूठे वादों पर यकीन कर बैठेंगे, और एक बार फिर से हम तुम्हें उनका दिल नहीं तोड़ने देंगे, उनका भरोसा नहीं तोड़ने देंगे।
और सच तो तुम भी जानते हो ना, जाना तो तुम्हें वही है तुम्हारी छमिया के पास। फिर क्या होगा बच्चों का? और इस बार हम मंगल के खिलाफ नहीं जाएंगे। कुसुम, वो बच्चों से तो बस हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आदित, चलो निकलो यहां से और दोबारा फिर अपने कदम हमारे घर पे मत लाना। जाओ यहां से। पापा, पापा आप आ गए। आई मिस यू सो मच। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। पापा आप अब इधर रहोगे? आपके ऑफिस का काम खत्म हो गया? आप अपने ऑफिस वाले फ्लैट में नहीं जाओगे ना? आप हमारे साथ रहोगे ना पहले की तरह?